Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. Hey, yo, what the? मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ और आई हैव कोच पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट हैं ब्राजील से, ऑफ कोर्स एन इंडियन, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या वे प्रोटीन खाना सही होता है. एंड आई वाज लाइक, हाँ, वे प्रोटीन में क्या दिक्कत है. तब उन्होंने बात की आयुष्मान खुराना की, उनके एक इंटरव्यू की जिसमें बात हुई थी कि आयुष्मान खुराना कह रहे थे कि वे प्रोटीन हमारे सिस्टम में 3 साल तक रहता है. और तब मुझे समझ आया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. लेकिन पता है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है. एक चीज दुनिया भर के लोगों ने इस पे वीडियो बनाई क्योंकि बॉलीवुड है, इज अ बॉलीवुड सुपरस्टार, और दुनिया भर में लोग जानते हैं आयुष्मान को. तो हाँ जी, आयुष्मान खुराना इज डम, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. हमें मजे आते हैं जज करने में लोगों को. और मैं बताता हूँ इससे होता क्या. इससे क्या होता है, जो आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता ना, वो ब्लंट हो जाता है. तो मुझे लगा कि ठीक है, जो बात बोली मैक्सिमम लोगों ने, बात तो ठीक बोली थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वे प्रोटीन बॉडी में इतने सालों तक रहता है. लेकिन एक चीज जरूर होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और किसी ने भी एड्रेस नहीं किया, और ये बात थी गट इन्फ्लेमेशन की. कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन. जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैं इन्फ्लेमेशन की बात करता हूँ. इन शॉर्ट, इन्फ्लेमेशन होता क्या है कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो डिजीजेस टाइप की चीजें बढ़ती जाती है. इन्फ्लेमेशन कम होती है तो हम हेल्थियर रहते हैं. तो ओवरऑल हमें करने की कोशिश क्या करनी चाहिए कि इन्फ्लेमेशन कम हो. अब अगर मैं मेडिकल कंडीशंस की बात करूं तो 3 conditions मेरी फोर्टे हैं. एक गट इश्यूज, दूसरा फैटी लीवर, और तीसरा रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज. यस, अगर आपके फैमिली में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है, इट्स रिवर्सिबल विद डाइट, कोई दवाइयों से नहीं. तो लेकिन बात अभी हम गट की कर रहे हैं. तो अब गट में होता क्या, अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है ना, तो फूड एलर्जीज आना शुरू हो जाती है. आयुष्मान ने बात की 3 साल तक वे प्रोटीन की बॉडी में रहा, तो पता होता क्या, कई बार हाथ खड़ा करो या वो लोग मुझे बताएं जिनको दूध नहीं पचता. और बच्चों ने पचता था, लेकिन कुछ टाइम पचना बंद हो गया. जिन लोगों को वे प्रोटीन नहीं पचता, पहले पचता था, पचना बंद हो गया. या कोई पर्टिकुलर चीज है, पहले पचती थी, पचनी बंद हो गई. व्हाट यू थिंक होता क्या. गाइस, होता ये है कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फूड हैबिट्स की वजह से या कुछ भी, वो जब गट इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है ना, लेट्स से गट इन्फ्लेमेशन 1 unit है तो कुछ नहीं हुआ. गट इन्फ्लेमेशन 10 unit है, कुछ फूड एलर्जीज होना शुरू हुई. गट यूनिट 50 unit है, फूड एलर्जीज बढ़ती गई. और हम क्या करते हैं, उस इन्फ्लेमेशन से होने वाले जो सिम्टम्स है उनको दबाने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट मेडिसिन डू. लेकिन लेट मी टेल यू, आज मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपको पेट का इशू है, जो कि गट वाला बात है, जैसे इस टाइप की चीज है, तो कुछ चीजें पचती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी अगर वो पचेंगे नहीं. अगर हम इन्फ्लेमेशन ठीक करें तो 1-1.5 महीने में वो सारा का सारा पार्ट ठीक हो सकता है. ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलता हूँ कि जब कोरोना हुआ था, सेकेंड वेव कोरोना का हुआ था, उसके बाद मुझे कोरोना हुआ तो नहीं, लेकिन मेरा गट उसके बाद बहुत खराब हो गया. मतलब IBS टाइप सिम्टम्स बहुत आने लगे, और फर्स्ट टाइम माय लाइफ मेरे को वे प्रोटीन और दूध पचने ना लगा. तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये चीजें यूज की जो आपको बताऊंगा, और एक बार गट इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ठीक हो गई, सब चीजें पचना शुरू हो गई. तो इसलिए कोई भी फिजिक गोल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी फिजिक गोल्स आप अगर अप्रोच कर रहे हो, उनके पहले आपको अपनी हेल्थ ठीक करना जरूरी है. तो ये हो सकता है आयुष्मान ने कहा हो, लेट्स सी, कि अगर गट इन्फ्लेमेशन अगर आपकी सालों साल अगर आप ठीक नहीं करोगे फिर तो इश्यूज रहेंगे. लेकिन ठीक कैसे किया जाए, पहला स्टेप क्या. सबसे पहला पार्ट उसे बोलते हैं एलिमिनेशन डाइट. आपने कुछ लोगों ने सुना होगा लो फूड मैप डाइट या फूड मैप डाइट. ऑनेस्टली मुझे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला लो फूड मैप डाइट से. लेकिन होता क्या, मैं बताता हूँ, अपनी डाइट से सब चीजें निकाल दीजिए, सब चीजें निकाल दी. तो आहिस्ता करके एक एक चीज डालिए, देखिए कौन सा खाना कैसा रिएक्ट करता है. तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, ये चीज मुझे पचती है, ये चीज नहीं पचती. अब दूसरी बात, करना क्या होगा, जैसे जब मैं अपनी इन्फ्लेमेशन ठीक की थी तो मैं 5 डे के फास्ट पे गया था. 5 दिन मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था. इन केस यू वांट टू सी द होल वीडियो, ये यहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट. और 5 दिन के बाद मेरी इन्फ्लेमेशन मैजिकली डिसअपीयर हो गई थी. तो इसका मेरा जो हमेशा ट्रीटमेंट होता है, उसका प्रिमाइस ये होता है कि बॉडी है हमारी, इट्स इनक्रेडिबली स्मार्ट. ये कोई भोंदू बॉडी नहीं है यार, बहुत स्मार्ट है. हमें बस इतना काम करना होता है कि कंडीशन दीजिए, बाकी बॉडी अपना काम खुद करेगी. इसको हील करना आता है, लेकिन कंडीशन हम देते ही नहीं. कभी टाइप 2 डायबिटीज भी ऐसे ठीक होता है, आपका फैटी लिवर भी ऐसा ठीक होता है, गट इश्यूज भी ऐसे ही ठीक होते हैं. कंडीशंस दीजिए बस. किसी भी टाइप की फास्टिंग यूज कीजिए. अगर आपको एक्सटेंडेड फास्टिंग नहीं करनी तो स्टार्ट कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो से. तो आई वुड से कि 8 घंटे की खाने की विंडो और 16 घंटे की जो है आपका फास्टिंग विंडो होनी चाहिए. मतलब दिस इज अ गुड स्टार्ट. थर्ड पॉइंट मेरा, कई बार मैं देखता हूं लोगों की इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडोज बहुत अजीब होती है. लाइक शाम के 5 बजे खाना शुरू करते हैं और उसके बाद रात के 12-1 बजे तक खाते रहेंगे. नॉट आइडियल. देखो मैं हमेशा
बात अभी लास्ट पॉइंट मैंने इसी की बात की थी कि बॉडी को हमें कंडीशंस देनी है ताकि वो हील करे। उन कंडीशंस में से टाइमिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अपना लास्ट मील जो कि आपका डिनर है वो सूर्यास्त के आसपास कर लेते हैं, आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा सुधार होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट इंटरमीडियंट फास्टिंग विंडो है वो 10 to 6 है, मतलब 10 बजे आपका ब्रेकफास्ट और 6 बजे आपका डिनर, या 11 to 7। इससे लेट ना जाए। अगर आपको गट इश्यूज हैं फिर आई वुड से कि 10 to 6 और 6 to 7 के बीच में ही रहें। चौथा पार्ट जो मुझे जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी, एक और चीज थी, वो क्या था, वो खाली पेट थोड़ा नीम था। वैसे मैं क्या करता था, मेरे घर पे नीम का एक पेड़ है, तो नीम की दातुन करनी सुबह और खाली पेट नीम के 3-4 पत्ते खाने। और अगेन ये अगर आपके पेट में कोई गंदा बैक्टीरिया है और खाली पेट खाते हो तो इस टाइप की चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अगेन एज आई ऑलवेज से कि कोई भी चीज अगर अच्छी है इसका मतलब ये नहीं ये सालों साल करते रहना है। मे बी ट्राई फॉर अ वीक, एक वीक की ब्रेक दीजिए, ट्राई अगेन फॉर अ वीक, एक वीक की ब्रेक दीजिए, 2 वीक की ब्रेक दीजिए, क्योंकि आपको हर टाइप का सिस्टम है उसको मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक चीज का ओवरलोड कर दिया तो पता चला जो चीज पहले अच्छी थी वो खराब हो। अब मेरा लास्ट पार्ट क्या है, वो ये है कि फुल बॉडी टेस्ट रेगुलरली कीजिए। मतलब मेरे रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे, उनको गट इश्यूज थे और कुछ चीजें मतलब ठीक हो नहीं रही थी, तो आइडली उनके गट इश्यूज को उनका जो लीवर है उसको ठीक करके हुए। तो अगर कई बार आपके लीवर पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हाई है या बाकी सिस्टम बहुत ज्यादा आउट ऑफ वैक है, तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट एवरी 6 months to 1 year आपको अपने सारे पैरामीटर्स देखने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से आप अपना लीवर ठीक कर दें, पैनक्रियाज की बात करूं, आइडियली अगर गट का कोई भी इश्यू है तो आप 3 main आपके एंजाइम्स होते हैं, योर प्रोटियाज, लाइपेस और अमाइलेस, ये प्रोटीन फैट्स कार्ब्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर इनमें कहीं बारी कमी होती है, चीजें प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती और फूड एलर्जीज का नाम आता है। और एक और चीज मैं एक बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूं इस वीडियो में, वो क्या है कि आपने मैक्सिमम सुना होगा कि लोग कहते हैं बॉडी एसिडिक बहुत होगी, बॉडी एसिड बहुत बनाने शुरू हो गई है। लेकिन दो कंडीशंस होती हैं, उसे बोलते हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एसिडोसिस हो गया एसिड ज्यादा हो गया, अल्कलोसिस हो गया बेस ज्यादा हो गई। तो मैक्सिमम लोगों को आई वुड से कि जो एसिड स्टोमिक एसिड है वो वीक वाला पार्ट है। टेस्ट करना है तो एक सिंपल टेस्ट बताता हूं करने को। इमेजिन आप कुछ खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर लीजिए 5 ml, मतलब 5 ml एप्पल साइडर विनेगर साथ में पानी, और खाने के पहले पी लीजिए। आपको कोई फैंसी एप्पल साइडर विनेगर नहीं चाहिए, आपके जो पास वाले स्टोर में सिरका मिलता वो लीजिए, वो जो मदर्स के साथ होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। लोग कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, रॉन्ग, न्यूट्रिशन होता नहीं है, हल्के ट्रेसेस होते हैं। क्योंकि जब भी कोई बोले कि कितने विटामिन कितने मिनरल्स, आस्क फॉर द क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज के मामले में एप्पल साइडर विनेगर कुछ खास दिखाने को है नहीं। तो पास का सिरका काम करेगा, इवन सोडा भी काम करेगा, क्योंकि जो मेन चीज मैटर करती है एप्पल साइडर विनेगर में जो गट के लिए इंटरेस्टिंग है वो इसका एसिटिक एसिड है, तो वो हर सिरके में आपको मिलेगा। तो पास वाले जो दुकान है वहां पे सिरका लीजिए, मील के पहले दीजिए, अगर डाइजेशन बेटर होती है तो लो स्टोमिक एसिड भी हो सकता है। तो गाइज ऑल इन ऑल मॉरल ऑफ दिस होल एपिसोड इज कि गट इश्यूज अगर ठीक होंगे, लो विटामिन B12 लेवल्स ठीक होंगे, आपके लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक होंगे, और हाँ ब्लड टेस्ट लेवल्स की मैं वो ब्लड टेस्ट की बात की थी, विटामिन डी लेवल्स मैक्सिमम लोगों के लो हैं। अगर आपको बहुत फटीक फील हो रही है तो गेट अ विटामिन डी सप्लीमेंट, उसका गट इश्यूज में भी रिलेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।